अगर आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्टली इसका ऑप्शंस है तो डेफिनेटली आप उसे इनेबल कर सकते हैं। मे बी शायद उसके अंदर बाय डिफॉल्टली नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको कैसे इनेबल कर सकते हैं। जो मैं फोन में टास्क के करने वाला हूँ VOKY53 है एंड इसके अंदर बाय डिफॉल्टली सेटिंग के जरिए मिल चुका अपडेट, जो एक अपडेट के जरिए इसके अंदर सेटिंग मिल चुका है कि हम कैसे डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें कवर करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले गाइस क्या करना है, आपको फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। हम चलते हैं सबसे पहले फोन की सेटिंग में, मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑन करना यूज करना है, इसके बाद मैं आपको ऑन करने का तरीका बताता हूँ। सिंपली सेटिंग को ओपन कर लेना। सेटिंग को ओपन करने के बाद अगर आपके फोन में अपडेट के जरिए कोई ऑप्शन आया है तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले जाते हैं मोर सेटिंग के ऑप्शन में। यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, VOKY53 में डेवलपर ऑप्शंस का एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो, इसे सिंपली प्रेस कर लेना। जो डेवलपर ऑप्शन जितने भी यूज है इसके अंदर ऑप्शन है इस तरह से आएंगे, काफी सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली एक शॉर्टकट ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर आ रहा है। बट अगर आपका डिवाइस में नहीं आ पा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फोन का, डेफिनेटली सभी डिवाइसों में होता है। सो आपको अबाउट फोन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आना है आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पे। तो मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर कहीं मिल जाएगा, आपको उस पर आना है। तो सॉफ्टवेयर वर्जन यहाँ पर देख रहे हो 3.17.3 का हमारा वर्जन है, इसे हम 7 बार क्लिक करेंगे, लाइक 7 बार। सो यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5 हमने कर दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन मोड में है, लाइक इसको आपकी नीड नहीं आपके फोन की इसकी। सो यहाँ से ये जो है ऑन नहीं हो रहा। सो अगर आपके डिवाइस में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिससे ये ऑन ऑटोमेटिक होता है तो डेफिनेटली आपको जरूरत है डेवलपर मोड को ऑन करने की। और मैं आई बटन में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, उसको आप चेकआउट कर लेना, दे दूंगा लिंक वहां पर। और उसमें आपको सारी चीजें इजीली हमने समझाई है कैसे उसे ऑन करना है, बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं कैसे उसे क्लोज करना है, एंड मैं कुछ ऑप्शंस इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि कैसे इसे यूज करना है। तो डेवलपर ऑप्शन को जब आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर काफी ऑप्शंस हैं, सबको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, जितनी भी ऑप्शंस सारी चीजें सारे ऑप्शंस का वर्किंग है काम करने के लिए। यहाँ पर एक आईएफ नॉट इनेबल का ऑप्शन मिलता है, एप्लीकेशन यहाँ अगर नॉट इनेबल है तो इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। सो हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो आपके डिवाइस में है, किसी पे भी इनेबल करोगे तो इनेबल हो जाएगा, नॉट डिसेबल करोगे नॉट इनेबल हो जाएगा। सो ये तरीका है यहाँ से एप्लीकेशन को आप मॉनिटर करने का। नीचे आते हैं, ऊपर सबसे आपको मिलेगा रनिंग का, रनिंग जो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन रन कर रहे कौन से नहीं कर रहे, ये सारी चीजें रनिंग प्रोसेस में देख सकते हो, काफी एप्लीकेशन है, इन सबको हम इजिली क्लोज कर सकते हैं गाइस। सो बहुत आसान है इसे ओपन करना। अगर आपके डिवाइस में 7 बार क्लिक करने के बाद अगर ये ऑप्शन ओपन होता है, ये ऑप्शन जो मैं यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ, तो आप डेफिनेटली उसका यूज कर सकते हैं। अगर नो नीड कहता है तो आपको उसे यूज करने की जरूरत नहीं है डेवलपर ऑप्शन, सिर्फ इजीली आप समझ लीजिए इसका क्या होता है। जैसे मैं इसे ऑन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है कि इसको हमें जरूरत नहीं, डेवलपमेंट मोड ऑन हो चुका है और ये रिस्क बता रहा है कि हमारे फोन के लिए रिस्क है क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है, हमारा फोन ऑलरेडी सभी चीजों से लाइक कोई भी एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में रन कर रही है, ना इसे ओपन करने की जरूरत है। सो यही तरीका है आपको यूज करने का। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आप हमें कॉमेंट करिए, वहां पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ वहां भी फॉलो कर सकते हैं। सो बस गाइस फिलहाल ये थी वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।